नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेक्रेटरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए आहार एवं पोषण में जो आपका उपचारात्मक पोषण चल रहा था, उपचारात्मक पोषण क्या होता है, उसमें कितनी विधियाँ होती, कितनी विधि तरीकों से भोजन दिया जाता है, अब मैं आपको इसमें बताऊंगी उपचारात्मक पोषण में जो विभिन्न प्रकार के आहार होते हैं, विभिन्न रोगों के लिए दिए जाने वाले आहार, ये मैं आपको बताऊंगी। जिसमें आज मैंने पहला लिया है मधुमेह यानी डायबिटीज लिया है, जो बहुत ही भयानक कह सकते हैं, बहुत ही ऐसी डिजीज होती है जिसमें व्यक्ति सब के खाने पर कई चीज़ों की चीज़ों को खाने पर रोक लग जाती है। तो ये डायबिटीज़ अक्सर देखा जाता है दो या तीन मरीज के में से एक मरीज आपको मिलेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट। और तो और अब तो इस स्थिति में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है डायबिटीज़, यानी घर में एक या दो पेशेंट जरूर मिलेंगे आपको जो डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे, क्योंकि हमारी दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है, हमारे खान पान में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मोस्टली रूप से डायबिटीज़ पाया जा रहा है। तो देखते हैं मधुमेह क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, और इसमें कौन कौन से आहार दिए जाते हैं और कितने प्रकार से आहार हैं। तो एक ही वीडियो में सारी चीजें बताऊंगी और ये भी लास्ट में बताऊंगी इसमें से कहां से क्वेश्चन आपके उठते हैं। तो मेरी वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा। तब तक देखते हैं हमारा डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम मधुमेह रोग कहते हैं, और डायबिटीज मेलाइटस देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज एक लैटिन वर्ड का शब्द है, डायबिटीज को अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं और मेलाइटस को अंग्रेजी मतलब कि इसकी जो मीनिंग होती है, मीन्स होती है, वो हनी होती है। यानी डायबिटीज डायबिटिक मतलब होता है फ्लो और मेलाइटस का मतलब होता है हनी। अब देखिए इसको टोटल आर ओवर दोनों का मतलब होता है ओवरफ्लो ऑफ सुगर इन ब्लड एंड यूरिन। यानी ब्लड और यूरिन में क्या होता है, जब शुगर की ओवरफ्लोइंग यानी ज्यादा मात्रा में जाने लगता है, इसी को ही डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसकी मतलब हुआ। अब देखते हैं ये जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक देखिए ये शब्द बहुत ही गुड शब्द जो मैंने दिया है, बहुत ही यानी ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पहले का क्वेश्चन आता है कि जो डायबिटीज होता है कैसा है, किससे संबंधित बीमारी है, तो ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जो होता है डायबिटीज हो जाता है। अब देखते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, इसका सही तरीके से हमारे शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है डायबिटीज हो जाता है। इसमें मुख्य कारण एक होता है आपका इंसुलिन। देखिए यह पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन आपका इंसुलिन होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण हमारा इंसुलिन हार्मोन करता है, और यदि इसकी कमी शरीर में पाई जाती है, इसमें कोई दोष हो जाया गया या डिसबैलेंस हो जाए, तो जिसकी वजह से रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं हो पाता है, और जितना होना चाहिए 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml हमारा क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा पाई जाती है। यही मात्रा जब आपका डायबिटीज होता है तो ये 100 से 150, 200, 250, 350 यानी इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये होता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, और इसके और भी कारण होते हैं। इसमें देखिए पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब वंशानुक्रम, यानी जब यदि माँ बाप को मतलब कि डायबिटीज हुआ होता है तो बच्चों में उसके होने की संभावना होती है, लेकिन यह डायबिटीज जब 40 वर्ष से पहले उस व्यक्ति में हो जाता है तो वो कहते हैं कि वो हेरिडिटी है, यानी माँ बाप में है तो बच्चों में हो जाएगा। दूसरा है आपका एज। ये एज मोस्टली 40 ईयर्स के अबव जो होता है ये मोस्टली पाया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा मधुमेह रोग हो जाता है। तीसरा आपका ओबेसिटी। आज के परिवेश में सबसे ज्यादा बड़ा कारण है आपका मधुमेह रोग होने का, क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, यानी जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जितने आप प्रोटीन ले रहे हैं, उतना आपके शरीर में खपत हो जाना। लेकिन जब आपके शरीर में डिपोजिशन हो रहा है, उसका खपत नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है धीरे धीरे, जिससे हमारी धमनियां और सिराएं मोटी होती जा रही हैं
और इस मोटापा के कारण जो हमारा जो सिक्रेशन होता है और जो फ्लो होता है मतलब ब्लड का, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो कारण आपका होता है मोटापा। मोटापा की वजह से भी मधुमेह रोग हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक फंक्शन उपापचय की क्रिया नहीं हो पाती है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्स। यह मोस्टली रूप से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा मात्रा में मधुमेह रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है मेंटल टेंशन। आज की परिवेश के लिए आपका मेंटल टेंशन भी मधुमेह रोग के कारण है, क्योंकि व्यक्ति जो है परेशान है, किसी न किसी काम में लगा हुआ है और भाग दौड़ की जिंदगी में उसके पास समय नहीं मिल पाता है। मानसिक तनाव होने के कारण से जो है डायबिटीज बीमारी हो जाती है। ये है आपका इतने इसके कारण है। अब आते हैं डायबिटीज के टाइप्स कितने हैं। देखिए इसमें डायबिटीज के टाइप्स हैं आपके जुवेनाइल डायबिटीज, एडल्ट डायबिटीज और सेनिल डायबिटीज। क्या है? जुवेनाइल, एडल्ट और सेनिल। जुवेनाइल का मतलब होता है जब 15-20 वर्ष के पहले बच्चों को मधुमेह रोग हो जाता है तो उसको जुवेनाइल या बालकों में होने वाले डायबिटीज को कहते हैं। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे भार में उस बच्चे में कमी आने लगती है और आपके कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिक होता है यानी उपापचय की जो क्रिया होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। अब एडल्ट डायबिटीज में क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा कारण जो होता है ये मोटापा होता है, क्योंकि मोटापे की वजह से भी हमारा जो मेटाबॉलिक क्रिया कन्वर्ट कर नहीं होने की वजह से यानी ग्लाइकोजन में वो स्टोर नहीं हो पाता, धीरे धीरे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ता जाता है, तो ये हमारा एडल्ट डायबिटीज होता है जो मोटापे के कारण से होता है। नेक्स्ट सेनिल डायबिटीज, ये मोस्टली एल्डरली पीपल को पाया जाता है और इसमें इंसुलिन हार्मोन की डिमिनिश यानी कमी होने के कारण, दोष होने के कारण ऐसा होता है। धीरे धीरे इस पे इंसुलिन को मतलब कि उपयोग इंसुलिन संबंधी दवाइयाँ खाया जाए, इंसुलिन को कंट्रोल करने वाली चीज़ों को उपयोग किया जाए तो इस रोग पर यानी जो सिनल टाइप का जो डायबिटीज है इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, मोटापे का भी अपने नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है सिम्टम्स, यानी आपके शरीर में डायबिटीज हो गया है तो उसकी कैसे आप पहचान करोगे। तो डायबिटीज में आपका ग्लाइकोसूरिया पहले आता है। देखिए ग्लाइकोसूरिया शब्द का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया जो होता है जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा यानी रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना ही ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया कहलाता है और इसी को ही मधुमेह कहते हैं। दूसरा आपका पॉलीयूरिया, जब ग्लाइकोसूरिया रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो बार बार पेशाब होने लगता है यानी पॉलीयूरिया जिसको कहते हैं। पॉलीफीजे का मतलब बार ज्यादा मात्रा में भूख लगना, और क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जा रहा है जिसे हमें काम करने की शक्ति भी नहीं मिल पा रही, तो हमें बार बार क्या होता है भूख लगती है, तो पॉलीफेजिया यानी बार बार भूख लगती है। पॉलीडिप्सिया का मतलब बार बार ज़्यादा मात्रा में प्यास लगना और डिहाइड्रेशन और शरीर में पानी की भी कमी होने लगती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और भी इसमें फटीग यानी काम करने के लिए थकान लगती है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं हो पाती है, हमारे शरीर में एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती है, इसे बार बार थकान लगती है। डायबिटीज कोमा कभी कभी भयानक स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। और मांसपेशियों का क्षय होना, हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भी क्षय होने लगती हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोटीन होती है वो एनर्जी देने का काम भी करने लगता है। नाड़ी संबंधी विकार यानी हमारी नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होती है, भूल जाना, काम न सही तरीके से दिमाग ना काम करना या कोई चीज़ बड़बड़ाना, यानी जो नाड़ी नर्वस सिस्टम में जो समस्याएं इस डायबिटीज में होने लगती है। अब आते हैं कि कौन से आहार डायबिटीज में दिए जाते हैं। तो मोस्टली जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को निर्माण करने का काम, मरम्मत करने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर की जो बॉडी का जो एक्यूरेसी है वो बनी रहे, वो कम ना होने पाए। तो प्रोटीन नुकसान भी नहीं करता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा जितना लेना चाहिए उससे दोगुना लेना चाहिए, नहीं उच्च प्रोटीन देनी चाहिए। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट में हमें स्टार्च यानी जो अनाजों से मिलने वाला होता है उसको हमें देना चाहिए, शर्करा गुड़ या चीनी या मिठाई की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन सी की मात्रा देनी चाहिए और मल्टी विटामिन टेबलेट देना चाहिए, और फल जो ऐसे फल देने चाहिए जो ज़्यादा खट्टे हों, मीठा उसमें ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट मिनरल को प्राप्त करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट आपका फैट, देखिए फैट इसमें नहीं देना चाहिए, यदि फैट जो मतलब फैट देते हैं तो अनसैचुरेटेड फैट देते हैं, सैचुरेटेड फैट नहीं देते, यानी इसमें सरसों आपका घी
देना चाहिए, डालडा इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर में इसकी मतलब की कमी ना होने पाए और ये हमारे लिए नुकसान देना ना हो। तो ये है आपका मधुमेह क्या होता है, मधुमेह किसे कितने प्रकार के होते हैं, मधुमेह कौन से आहार दिए जाते हैं, इनके क्या लक्षण है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, अब आपको पूछ लेगा इसमें से कौन सा जो डायबिटीज के लक्षण है और कौन से नहीं है। ये चीजें यदि आपको पता होंगी तो आप इसमें से चूज कर सकते हो कि ये इसमें से सिम्टम इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि इसके कारण क्या है, डायबिटीज के कारण क्या है, मोटापा है कि हेडिटी है कि दोनों है कि इसमें से कोई नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, तो हमारा क्या होता है 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा होती है। चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि रक्त में जो शर्करा का नियंत्रण कौन करता है, तो आपका कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलता है। तो ये है हमारे कुछ क्वेश्चन जो जहाँ से ये क्वेश्चन उठते हैं। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, और ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।